नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ट्रेनिंग ट्यूब में। मेरा नाम है बिस्वा और आज बात करते हैं दोस्तों आईएसपी की जो आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं इंटरनेट ब्रॉडबैंड कनेक्शन का, उसका स्पीड के बारे में। दोस्तों आप बात करते हैं, आपको अगर मान लीजिए कोई भी आईएसपी सर्विस प्रोवाइडर जैसे कि एक्ट फाइबर नेट है, एयरटेल है, बीएसएनएल है, डोकोमो है या वोडाफोन है, कोई भी आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपको जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं इंटरनेट यूज करने के लिए, जो भी आपको डेटा प्रोवाइड करते हैं दोस्तों, उसका एक स्पीड रहता है, राइट, कि कितना स्पीड में वो लोग डेटा प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों वो रहता है कुछ आपको आपको प्लान के हिसाब से स्पीड रहता है, राइट। अगर आप ज़्यादा पैसा वाला प्लान लेते हैं तो आपको अच्छा स्पीड भी मिल जाता है, अगर आप नॉर्मल में जाना चाहते हैं तो आपको नॉर्मल स्पीड भी मिलता है। तो दोस्तों बात करते हैं ये जो डिफरेंस क्यों होता है। अगर आपको आईएसपी ने बोल दिया आपको 16 Mbps का प्लान है, जब आप डाउनलोड में लगाते हैं उस टाइम पे आपका बस 1-2 Mbps में ही डाउनलोड होता है, ये क्यों होता है दोस्तों? तो ये जो डिफरेंस होता है आईएसपी जो आपको बताता है और आप जब यूज करते हैं जब आपको मिलता है स्पीड, ये डिफरेंस क्यों होता है दोस्तों? आईएसपी जब आपको सर्विस प्रोवाइड करता है उस टाइम पे वो बोलता है कि वो 16 Mbps का प्लान देता है, राइट। 16 Mbps मतलब मेगा बिट्स पर सेकेंड दोस्तों, एम स्मॉल बी पी एस, राइट, डेट इज नॉट कैपिटल बी दोस्तों। एमबीपीएस स्मॉल बी और कैपिटल बी में ये अंतर है। अगर आप अपना स्मॉल बी अगर आपको प्लान दे रहा है तो वो बिट्स पर सेकेंड में दे रहा है, अगर वो कैपिटल बी दे रहा है तो वो बाइट्स पर सेकेंड में दे रहा है। दोस्तों बिट्स और बाइट्स में अंतर ये है कि बिट्स है आपका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ जो मेमोरी साइज, राइट। तो बिट्स 8 bits इज इक्वल टू 1 byte होता है दोस्तों, और अगर 1024 bytes इज इक्वल टू 1 kilobytes, तो आपको जैसे किलोबाइट, मेगाबाइट, आप गीगाबाइट, टेराबाइट, पेंटाबाइट जो आप बोलते हैं, राइट। तो दोस्तों ये सब आपका यूनिट है मेमोरी का, राइट। तो सबसे छोटा यूनिट है बिट्स, बिट्स के बाद आता है दोस्तों बाइट्स, बाइट्स के बाद आता है किलोबाइट्स, फिर आपको आता है मेगाबाइट्स, फिर आपको आता है गीगाबाइट्स, फिर आपको आता है आपको टेराबाइट्स, फिर पेटाबाइट्स, बहुत सारे हैं। तो दोस्तों जब आपको प्लान देता है ये मेगा बिट्स पर सेकंड का, तो जितना भी प्लान, फॉर एग्जांपल आपको बोलता है 16 Mbps का प्लान दिया है दोस्तों, तो आप सिंपल से कैलकुलेशन कर लीजिए 16 Mbps डिवाइडेड बाय 8, तो दोस्तों आपका जो रियल स्पीड है वो 16 by 8 कितना होता है 2 Mbps, राइट। तो दैट इज 2 MB पर सेकेंड कन्वर्ट होता है। तो आप कभी भी एक्सपेक्ट मत कीजिए कि अगर आपको अपना आईएसपी 16 Mbps का प्लान दे रहा है तो आपका डाउनलोड स्पीड भी 16 में हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता दोस्तों। तो उनका वो लोग जब आपको सर्विस प्रोवाइड करता है वो बिट्स में ही सर्विस प्रोवाइड करता है, जितना भी मेगा बिट्स पर सेकंड में। तो दोस्तों ये आपको जानना बहुत जरूरी था, और आपको मन में डाउट होगा कि जो प्लान है और जो हमको मिलता है वो कभी भी डिफरेंस नहीं होता दोस्तों, जितना प्लान बोलते हैं उतना ही मिलता है, लेकिन वो हमारा समझ के ऊपर डिपेंड करता है कि हम बिट्स पे समझते हैं या बाइट्स पे समझते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यही था मेगा बिट्स और मेगा बाइट्स के में अंतर क्या होते हैं। अगर आपको ये वाला मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर लाइक करिए, कुछ भी कमेंट सुझाव देना है तो दोस्तों कमेंट करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके सामने ऐसा ही टेक वीडियोस लेके आते रहते हैं दोस्तों। थैंक्स दोस्तों, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे दोस्तों, और जय हिंद, वंदे मातरम।